ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में हमारे रामलला विराजमान है। रामनवमी पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। पूरे देश में रामनवमी की धूम दिखाई दे रही है। इस अवसर पर लोग भारी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर लोगों को रामनवमी की बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, देश भर के मेरे परिवारजनों को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी की अनंत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मेरा मन भाव विभोर और कृतार्थ है। ये श्री राम की परम कृपा है कि इसी वर्ष अपने कोटि कोटि देशवासियों के साथ मैं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना। अवधपुरी के उस क्षण की स्मृतियाँ अब भी उसी ऊर्जा से मेरे मन में स्पंदित होती हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में हमारे रामलला विराजमान हो चुके हैं। रामनवमी के इस उत्सव में आज अयोध्या एक अप्रतिम आनंद में है। 5 शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद आज हमें ये रामनवमी अयोध्या में इस तरह मनाने का सौभाग्य मिला है। ये देशवासियों के इतने वर्षों की कठिन तपस्या, त्याग और बलिदान का सुफल है। श्री राम जनमानस के रोम रोम में बसे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि प्रभु श्री राम भारतीय जनमानस के रोम रोम में रचे बसे हैं, अंतर मन में समाहित हैं। भव्य राम मंदिर की प्रथम रामनवमी का ये अवसर उन असंख्य राम भक्तों और संत महात्माओं को स्मरण और नमन करने का भी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन और उनके आदर्श विकसित भारत के निर्माण के सशक्त आधार बनेंगे। उनका आशीर्वाद आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन।